सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने खास बातचीत करते हुए हरियाणा कैबिनेट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। करनाल से बीजेपी के सांसद तथा बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय भाटिया हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, तो इस विस्तार को किस रूप से देखते हैं आप? इस विस्तार को मैं समझता हूँ भौगोलिक दृष्टि से, वर्ग की दृष्टि से सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी ये मंत्रिमंडल बना है, बहुत ही बैलेंस्ड मंत्रिमंडल बना है और अच्छे चेहरे मंत्रिमंडल में आए हैं। जातीय तथा क्षेत्रीय संतुलन की अगर बात की जाए, जो किसी भी सरकार की प्राथमिकता होती है, उसके तहत आप समझते हैं कि ये मंत्रिमंडल ठीक है? हाँ जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मंत्रिमंडल बना। और क्योंकि जिस तरह का मैंडेट था, जिस तरह का जन आदेश था, सबका ध्यान रखते हुए तो सलाह करके, सबसे सलाह करके बना और सभी खुश हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार को 18-19 दिन लग गए, इसके क्या कारण आप समझते हैं, क्यों बन? तो 10 दिन ज़्यादा लग जाए, लेकिन अच्छा मंत्रिमंडल बने इसी प्रयास में थे। और हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता भाव है, जिसके जिम्मे जो भी लग गया वो मंत्री बन के भी काम करता है और कार्यकर्ता बन के भी काम करता है। संगठन का काम मिले, संगठन का काम करता है, ये हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता भाव है। ये संजय जी, अगर बात की जाए बीजेपी जेजेपी गठबंधन की, इस गठबंधन का भविष्य कितना मजबूत देखते हैं आप? गठबंधन का भविष्य तो मजबूत है। हरियाणा में तो वैसे भी पहले जो नॉन कांग्रेसी सरकारें बनी, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर ही बनाई थी, और आज भारतीय जनता पार्टी समर्थन से सरकार चला रही है, जैसा मैंडेट समाज ने दिया। निर्दलीय विधायक क्योंकि सबसे पहले समर्थन देने वालों में थे जब बीजेपी 40 सीटें लेकर बहुमत से कम रह गई थी, तो इस स्थिति में क्या निर्दलीय विधायक यथावत मजबूत स्थिति में रहेंगे? मजबूत स्थिति में है, आज आपने देख लिया सभी निर्दलीय विधायक यहाँ पर आए हुए थे, सभी का मान सम्मान होगा पूरा अच्छे से। इस सरकार के प्रमुख जो टारगेट्स हैं प्राथमिकता के आधार पर क्या रहेंगे? वो सरकार में जो लोग काम करें, सरकार का जिनके पास दायित्व है, वो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं कह सकता हूं कि जो काम पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किए थे, चलाए थे, आज उन्हीं कामों को आगे बढ़ाते हुए उसी प्रकार से पारदर्शी शासन, और जिस तरह से हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, मैं तो कहता हूं, अनेक बार कहता हूं कि राजनीति के संत हैं, उसी रास्ते पर चलते हुए इस सरकार में भी काम को आगे बढ़ाएंगे। वरिष्ठ साहब, जिस प्रकार से दोनों के घोषणा पत्र अलग अलग हैं, उनको एक साथ करने के लिए कमेटी भी बनाई गई है? हाँ, उसमें जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, हमेशा समझौते की सरकार में इसी प्रकार से होता है, एक दूसरे की भावना का ध्यान रखा जाता है। दोनों एक दूसरे की भावना का ध्यान रखेंगे और उनके साथ जो इंडिपेंडेंस है उनकी भी भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। हम तो कहते हैं कि विपक्ष ने भी कोई अगर कुछ अच्छे मुद्दे उठाते हैं, विपक्ष में कांग्रेस है, अगर वो भी कुछ अच्छी सलाह हरियाणा के हित में देती है, हरियाणा के भले में देती है, माननीय मनोहर लाल जी तो बहुत बड़े मन के हैं, उनकी सलाह को भी पॉजिटिव वे में लेंगे। तो ये है सांसद संजय भाटिया जो कह रहे हैं कि ये सरकार मजबूती से चलेगी, लंबी चलेगी, और दोनों के जो घोषणा पत्र हैं उनको ज्वाइंटली इकट्ठे एग्जामिन कर जनता को समर्पित किया जाएगा, यानी जनता में लागू किए जाएंगे। कैमरामैन अमर सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़ चंडीगढ़।